मैं हूँ आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज 7। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद से है। इस समय हम थानापुर ब्लॉक के माधोपुर राजकीय पशु चिकित्सालय पर है और जैसा कि नज़ारा आपके सामने दिख रहा है, बाकायदे जो है गेट के बाईं तरफ जो है एक नंबर जो है लिखा गया है। थोड़ा सा नंबर दिखा दें और अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कि क्या स्थितियाँ है अंदर। बाहर तो गेट खुला है, कोई है भी अथवा नहीं है, आते हैं लोग या नहीं आते हैं, क्योंकि सरकारी महकमा में अगर बात करें तो भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस समय आचार संहिता लागू है और चुनाव का भी माहौल जो है धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और ऐसी स्थितियों में इस राजकीय चिकित्सालय पे कितने सब कर्मचारी हैं, कब आते हैं नहीं आते हैं, क्या स्थितियां है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम इस समय पशु हॉस्पिटल परिसर में हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है चैनल में ताला बंद है और ये पशु चिकित्सा अधिकारी का जो कक्ष है इसमें भी हम कहेंगे कैमरामैन से कि नज़दीक से दिखाएं कि इसमें भी ताला बंद है। वेट फार्मासिस्ट के भी कमरे में जो है ताला बंद है और लैब में भी जो है ताला बंदी है। तो इस बाबत यहाँ एक भाई आ गए हैं, इनसे हम वार्ता करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है। इधर बताएं, ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुभाष सिंह है। कहाँ के रहने वाले? माधोपुर के। माधोपुर के। ये सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके हाँ, बनाया है ये जो बनाया है सेंटर, इसका लाभ आप लोगों को मिलता है? हाँ मिलता है। क्या लाभ में क्या क्या मिलता है आपको? लाभ में जब भैंस गर्म होती है तो आते हैं तो डॉक्टर दवाई देते हैं। तो अभी तो डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, आते हैं, नहीं है। प्राइवेट हैं वो। अच्छा अच्छा। सरकारी से तो चले गए, तो प्राइवेट को चाबी देकर गए हैं। हाँ। वो आते हैं, एक आध घंटा दो घंटा रहते हैं। हाँ। इसके बाद में अपना फील्ड में घूमते हैं, अपना कमाने को। यहाँ कोई आपकी जानकारी के अनुसार यहाँ कोई अस्थायी नहीं रहता? डॉक्टर यहाँ नहीं रहते? अस्थायी नहीं, कोई नहीं है। फार्मासिस्ट भी नहीं है यहाँ? कोई नहीं, कोई नहीं है। जो सरकारी दवाएं आती हैं वो भी आप लोगों को मिलती हैं? तो प्राइवेट डॉक्टर है, वही तो सबको देते रहते हैं। तो वो कब से कब ड्यूटी करते हैं आप? 10 बजे आते हैं, एक घंटा दो घंटा फिर चले जाते हैं। जाते हैं फिर शाम को बेला आते हैं यहाँ पर, दो घंटा रहते हैं, दो घंटा सुबह में दो घंटा शाम को रहते हैं और माठ में अपने फील्ड में घूमते हैं। तो जो ये सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, ये 100 पीस बनी हुई है सरकार की? अब पता नहीं, अब सरकार जाने अब कि किस लिए बनवाई है। अच्छा, सरकार जाने। हाँ। यहाँ के लोग जो है कभी कोई शिकायत वगैरह या अधिकारियों के पास तक नहीं पहुँचता? नहीं पहुँच पाती। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सरकारी विभाग है, पशु चिकित्सा विभाग, और करोड़ों रुपए की लागत खर्च करके ये रेजिडेंशियल आवास इनको बनाया गया है, इस बाबत हम इस विभाग के अधिकारी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यहाँ डॉक्टर हैं अथवा नहीं, अगर हैं तो आते क्यों नहीं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। समय हम इस बिल्डिंग के जो है राजकीय पशु चिकित्सालय माधोपुर ब्लॉक थानापुर गाजीपुर के शिलापट्ट पर आए हैं और इस पर बाकायदे जो है कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि ये पशु चिकित्सालय जो है का लोकार्पण जो है योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी जो यहाँ मंत्री थे जो है उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के और सांसद हैं यहाँ से, इनके द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को इस उद्घाटन किया गया। और ये सारी बिल्डिंगें बनकर और यदि जनता को समर्पित की जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक उत्तरदायित्व जो है उनको सौंपा जाता है जिसका निर्वहन होना चाहिए। अगर वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब हैं या वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो दायी हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे रहेगा। हेलो, हाँ आलोक चौबे बोल रहे हैं, पत्रकार। सर आपके अंडर में ये राजकीय पशु चिकित्सालय माधोपुर है? हमारे अंडर में नहीं है। तो यहाँ थानापुर के चार्ज में है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी। अच्छा ना? उनकी ड्यूटी लगी है उड़न संस्था में सगड़िया विधानसभा।
और हम पशु सेवा केंद्र प्रभारी कमाल बोल रहे हैं, सुरेंद्र कुमार। अच्छा, हमारी ड्यूटी लगी है चंद्रा विधानसभा में। ड्यूटी तो लग गई सर, लेकिन यहाँ का भी तो कार्यभार होना चाहिए ना। वहाँ के वहाँ कोई पदस्थापना में कोई डॉक्टरों को अभी पदस्थ नहीं किया गया है। चार्ज जैसे धारापुर पशु चिकित्सालय के अंदर जो वही विनोद कुमार जी जी डॉक्टर जो चार्ज में है, उन्हीं के अंदर चार्ज है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि कभी कोई आता ही नहीं यहाँ। चलिए ठीक।